हेलो एवरीवन दिस इज इजी झा एंड वेलकम टू नवोद्यम क्लासेस आज की क्लास में हम पढ़ने वाले बेटा लीडियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं लीडियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इस चैप्टर को मैंने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है तो पहला पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है ये पार्ट वन है लीडियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पार्ट वन है ये ठीक है इसके बाद इसका हम क्या पढ़ेंगे इसके बाद हम इसका पढ़ेंगे पार्ट टू जिसमें बाकी आगे के सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे थोड़े कॉन्सेप्ट आज सीखेंगे थोड़े कॉन्सेप्ट पार्ट टू में सीखेंगे उसके बाद पार्ट थ्री जो कि आप लोगों को पता है पार्ट थ्री जो होता है या लास्ट पार्ट जो होता है हमारा किसी भी चैप्टर को क्या होता है प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं ठीक है तो यहाँ पे भी हम पार्ट थ्री में क्या पढ़ेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो आज हम पार्ट वन पढ़ने वाले हैं ये लक्ष्य बैच की क्लासेस है जो नए बच्चे हैं एक बार मैं उनको बता देना चाहती हूँ बेटा ये उन बच्चों के लिए है आप में से जो की अभी क्लास एट्थ में या नाइन्थ में पढ़ रहे हैं अगर आप एट्थ या नाइन्थ में से किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं तो ये बैचेस आपके लिए है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है ठीक है और अगर साथ के साथ आप नवोदय एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या आप सैनिक स्कूल एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आप एन नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आप मैथमेटिक्स ओलम्पियाड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आप प्रिपेयर कर रहे हैं के के लिए अगर आप इन में से किसी भी चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये फाउंडेशन बैच है आपका जो कि यूट्यूब पे चल रहा है ये एक फाउंडेशन बैच है और ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है ये क्या है बेटा एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है ठीक है पूरा डिटेल मिल जाएगा ये आप जब जाएंगे ना नवोद्यम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप जब पहुंचेंगे तो आप वहां पे जाके देखिएगा तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगा प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको एक लक्ष्य बैच के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगा वहां जाके आपको प्ले लिस्ट खोलना है और वहां पे आपको टॉपिक वाइज कैसे मिल जाएंगे आपको सारे टॉपिक वाइज वहां पे प्लेलिस्ट बनी हुई है वन वन बाय सारे टॉपिक में पढ़ा रही विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ठीक है एक्सप्लेनेशन एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं लेके आती हूँ हर चैप्टर के बाद बेटा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होते हैं ठीक है जो कि हर साल पूछे गए होते हैं ओके पे, अच्छा इसके बाद कुछ बच्चों को पीडीएफ को लेकर क्वेरी रहती है तो बेटा देखो आपको जो भी मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ आपको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है आपको पीडीएफ मिल जाएगी सारी अब पीडीएफ कहां से मिलेगी पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल से अब टेलीग्राम चैनल के बारे में मैं लास्ट में बात करूंगी अभी हम फटाफट से चलते हैं हमारे फर्स्ट स्लाइड पे देखिए पहला स्लाइड में आपको क्या दे रखा है देखो व्हाट इज एन इक्वेशन इक्वेशन क्या होता है इसके बारे में बात हो रही है तो पढ़िए डेफिनेशन क्या दी हुई है एन इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट टू एक्सप्रेशन आर इक्वल इक्वेशन क्या होता है इक्वेशन ऐसे दो एक्सप्रेशन होते हैं जो कि आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं इक्वल होते हैं ठीक है मतलब कि मान लीजिए जैसे मैंने आपको लिख दिया एक सेवन एक्स प्लस ट्वेंटी एट इज इक्वल टू माइनस फोर अब यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है लेफ्ट हैंड साइड में और एक एक्सप्रेशन यहाँ दे रखा है राइट हैंड साइड में और ये दोनों आपस में क्या है इक्वल है ये जो बराबर का साइन यहां लग रहा है ये क्या बता रहा है कि ये दोनों मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है इक्वल है इक्वेलिटी को दिखा रहा है किसमें एल में और आर में इसमें इक्वेलिटी दिखा रहा है इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं इक्वेशन बोलते हैं अच्छा इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या फर्क होता है आपको ये बात समझ में आना चाहिए देखो बेटा इक्वेशन तो ये हुआ जैसे मैंने एक्साम्पल देखा है सेवन एक्स प्लस ट्वेंटी टू माइनस फोर जब ये इज इक्वल्स टू लग के कुछ और वैल्यू आ गई ना मतलब दो साइड में बात हो गई एल एच एस और राइट हैंड साइड आरएचएस एल एच एस और आरएचएस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अगर कुछ चीजें बात चल रही है तो उसको हम बोलेंगे इक्वेशन पर अगर एक ही साइड है जैसे कि ये सिर्फ इतना होता सेवन एक्स प्लस ट्वेंटी होता सिर्फ इतना ही होता तब हम इसको क्या बोलते हैं तब हम इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन क्या बोलते हैं बेटा हम इसको इसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन ठीक है अभी आपने पढ़ लिया था एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज एंड एक्सप्रेशन पढ़ा था ना आपने एलजेब्रा पढ़ा था उसमें आपने क्या पढ़ा था एलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज तो एक्सप्रेशन वर्ड आपने वहां पर पढ़ा था तो एक्सप्रेशन क्या होता है एक्सप्रेशन ये होता है ये एक्सप्रेशन है आपको लिख के दे दिया सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस थ्री इतना है तो ये एक्सप्रेशन ये है और जब आप इसमें बराबर में कुछ लगा देते हैं तो अब ये क्या बन गया अब ये बन गया इक्वेशन क्या बन गया बेटा ये अब ये बन गया इक्वेशन तो ये फर्क है एक्सप्रेशन और इक्वेशन में ठीक है इक्वेशन क्या होता है इक्वेलिटी को रिप्रेजेंट करता है ठीक है बराबर है एल और आर आपस में क्या है बराबर है इक्वल है ये बताता है ठीक है चलिए अगली स्लाइड में देखिए क्या देखा वॉट इज अर इक्वेशन अब हम क्या पढ़ रहे हैं हम तो लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है अ लीनियर इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल इक्वेशन दैट अ स्ट्रेट लाइन डिपेक्ट्सेंट ग्राफिकली ठीक है लीनियर इक्वेशन क्या होता है एक मैथमेटिकल इक्वेशन होता है जिसको जब हम ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं जैसा कि मैंने अभी अभी यहाँ पे आपको एक वैल्यू दी हुई थी सेवन एक्स प्लस ट्वेंटी एट इज टू माइनस फोर अगर आप इसका ग्राफ बना रहे हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन का आप ग्राफ बना रहे हैं तो वो ग्राफ ऐसा जाता है स्ट्रेट लाइन जाता है ठीक है ग्राफ कैसे जाता है स्ट्रेट लाइन जाता है मान लीजिए और ये ओरिजिन ठीक है थीके? तो ग्राफ हमारा कैसे जाता है बेटा ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन जाता है लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो कैसा हमेशा होता है वो होता है स्ट्रेट लाइन ठीक है स्ट्रेट लाइन होता है ठीक है चलिए नीचे क्या देखा देखो इन अ लीनियर इक्वेशन द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज वन लीनियर इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन क्यों बता है पहली बात तो आपको रीजन रीजन पहला reason पता चल गया कि उसका ग्राफ हमेशा कैसा आता है स्ट्रेट आता है स्ट्रेट लाइन होता है ठीक है 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 दूसरा दूसरा रीजन रीजन आपको दे रखा है। क्या है? कि हाईएस्ट पावर जो होती है ना वेरिएबल की वेरिएबल क्या होते हैं एक्स वाई ए बी सी जेड एल एम एन ओ पी क्यू आर ये होते हैं वेरिएबल इनकी हाईएस्ट पावर क्या होती है वन होती है वन से ऊपर पावर नहीं जाएगी एक्स स्क्वायर नहीं मिलेगा आपको कहीं पे भी लीनियर इक्वेशन में स्क्वायर एक्स मिलेगा वाई मिलेगा जेड मिलेगा, मिलेगा एक वेरिएबल मिलेगा और उसके ऊपर एक पावर मिलेगी ठीक है क्या बोला मैंने एक वेरिएबल और एक पावर मिलेगी आपको ठीक है उसको हम क्या कहते हैं लीनियर इक्वेशन दो रीजन पता चल गए आपको अगर आपसे कोई पूछ रहा है ये सब मैं आपको क्यों बताती हूँ बेटा क्योंकि आपने कोई टॉपिक पढ़ा तो टॉपिक के आपको क्वेश्चन करने आ गए तो सिर्फ क्वेश्चन करने से मैथ्स आ जाएगा क्या नहीं मैथ्स सिर्फ क्वेश्चन करने से नहीं आएगा ठीक है सिर्फ आप क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो उससे आपको मैथ्स नहीं आएगा आपसे आप किसी ने आपसे पूछा कि आप अभी क्या पढ़ रहे हो मैथ्स में आपने बताया कि लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं अब आपने उस, उसने आपसे सिंपली एक क्वेश्चन कर लिया कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है ये बताओ चलो आपको पता ही नहीं है आपको लीनियर इक्वेशन इक्वेशन के सारे क्वेश्चन सोल्व करने आते हैं पर आपको ये नहीं पता है कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है ठीक है तो अगर आपको ये नहीं पता है लीनियर इक्वेशन क्या होता है बेटा फिर क्वेश्चन करने का भी कोई फायदा नहीं रह जाएगा आपका बेसिक फिर कमजोर है अगर आपको टॉपिक्स के बारे में नॉलेज नहीं है तो ठीक है तो आपको पता होना चाहिए तो मैं इसीलिए ये थोड़ी सी चीजें जो है ना वो लेके आती हूँ स्टार्टिंग में उसका रीजन यही होता है कि आपको पता होना चाहिए क्या होता है तो दो रीजन से आपको पता चल गए वट इज लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन क्या होता है जिसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आए ठीक है और दूसरा लीनियर इक्वेशन जो होता है उसकी पावर हमेशा क्या होती है वन होती है ठीक है लीनियर इक्वेशन मतलब जिसमें वन वेरिएबल होगा वन वेरिएबल होगा और वन ही पावर होगी वन वेरिएबल और वन पावर इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन ग्राफ ग्राफ ऑलवेज बी स्ट्रेट लाइन इन लीनियर इक्वेशन ठीक है ग्राफ हमेशा कहता हूँ कैसा होता है ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है इक्वेशन में ठीक है चलते हैं देखिए अगले स्लाइड में देखो क्या दे रखा है द जनरल फॉर्म ऑफ अ इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू जीरो अब लीनियर इक्वेशन वन अब अभी हम क्या पढ़ रहे हैं हमारा टॉपिक क्या है बताओ हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ये टॉपिक है हमारा तो लीनियर इक्वेशन वन वेरियबल पढ़ रहे तो वही पता चल जाना चाहिए कि वेरिएबल वेरिएबल तो कितना होगा एक होगा और एक एक पावर होगी ठीक है लेकिन उसका जनरल फॉर्म मतलब किस टाइप से बन के आता है इक्वेशन कैसे पता चलेगा लीनियर इक्वेशन इस टाइप से आएगा AX B इसी का एग्जाम्पल्स ले लो जो मैंने शुरू में दिया था वही वापस दे दे रही हूँ सेवन एक्स प्लस ट्वेंटी ये होती है जनरल फॉर्म क्या होती है ये होती form, है जनरल फॉर्म लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की अब नीचे देखा इन टू वेरिएबल्स ये अभी है नहीं ये आपके क्लास नाइन्थ का टॉपिक है किसका टॉपिक है क्लास नाइन्थ का टॉपिक है फिर भी एक बार बताना जरूरी था यहाँ पे कि अगर दो इक्वे इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ रहे हैं हम अभी तो हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ रहे हैं पर अगर आपको अभी क्लास नाइन्थ में जो बच्चे होंगे उनके टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ठीक है तो ग्राफ तो यहाँ पे भी क्या आएगा ग्राफ शुड बी स्ट्रेट ठीक है बाकी यहाँ पे जनरल फॉर्म क्या आएगा बेटा जनरल फॉर्म आएगा ए एक्स प्लस बीवाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो ठीक है अब इसको आप ले लीजिए इस तरीके से कुछ सेवन एक्स प्लस थ्री वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो इस टाइप से आएगा इस टाइप से आएगा दो वेरिएबल हो जाएंगे यहाँ पे क्या देखो लिखा हुआ ये टू वेरिएबल्स राइट तो दो वेरिएबल हो जाती है यहाँ पे ठीक है यहाँ दो वेरिएबल हो जाती है आई बात समझ तो ये दो टाइप के लीनियर इक्वेशन होते हैं हम ये वाला पढ़ रहे हैं टाइप वन ये पढ़ रहे हैं हम आज ठीक है चलिए देखिए क्वेश्चंस पे आते हैं अब थोड़े से किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं आज जो मैं क्वेश्चंस लेके आई हूँ वो मिसलेनियस है आप समझ लीजिए कि इजी क्वेश्चन है ये ठीक है कल मैं क्या लेके आऊंगी इस टॉपिक पे वर्ड प्रॉब्लम्स लेके आऊंगी क्या लेके आऊंगी कल इस टॉपिक पे वर्ड प्रॉब्लम्स लेके आऊंगी तो आज हम सिर्फ मिसलेनियस करने वाले हैं जितने भी मिसलेनियस की जितने भी टाइप होते हैं मिसलेनियस के जितने भी टाइप्स हैं वो सब आज कवर करवा दूंगी आपको ठीक है टोटल जितने भी टाइप्स हैं वो सब आज आपको कवर मैं करवा दूंगी ठीक है फिर कल वर्ड वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे और कल उसके सारे टाइप आपको क्लियर करवा दूंगी ठीक है चलिए यहाँ देखिए यहाँ बेटा आप हम सबसे बड़ा एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोजिशन क्या बोलते हैं ट्रांसपोजिशन ये बोलते हैं मैथमेटिकल टर्म में और आप अपने टर्म्स में बोलना चाहते हैं इजी बोलना चाहते हैं तो आप इसको ट्रांसफर कर लीजिए क्या कर लीजिए बेटा ट्रांसफर कर लीजिए ठीक है ये सीखने वाले ये क्या होता है मैम देखो बेटा ये ये होता है कि हमें पता है कि जब भी आपने अब मैंने आपको शुरू शुरू में जब एल्जावरा पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि आप जब भी एड करोगे और सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये ध्यान रखना है कि लाइक like टर्म को ही एड कर सकते हो आप लाइक like टर्म्स ही एड होती है कैसे जैसे कि आप टू एक्स और थ्री एक्स को एड कर सकते हो क्या जी बिल्कुल कर सकते हैं क्यों कर सकते हैं टू एक्स की जगह टू पेन ले लो एक्स की जगह मैंने पेन लिख लिया और यहाँ थ्री पेन लिख लिया इधर भी एक्स और इधर भी एक्स क्या बता रहा है क्या बताता है एक्स और एक्स ये बताता है कि दोनों जगह सेम चीज के बारे में बात हो रही है राइट मतलब यहाँ भी पेन के बारे में बात हो रही है और यहाँ भी पेन के बारे में ही बात हो रही है तो जब पेन और पेन के बारे में बात हो रही है तब तो मैं ऐड कर सकती हूँ दो पेन और तीन पेन को मैंने ऐड कर दिया तो कितना हो गया पांच पेन हो गया ठीक है लेकिन आपको दे दिया टू एक्स प्लस थ्री वाई इसको एड करो आपको क्या दे दिया आपको दे दिया टू एक्स प्लस थ्री वाई इसको एड करो तो इसको एड कर सकते हैं क्या आप टू एक्स को आप मान लो दो पेन और थ्री वाई को आप मान लो थ्री चॉकलेट तो दो पेन और तीन चॉकलेट को ऐड कर सकते हो क्या ऐड होंगे कभी भी एड नहीं होंगे राइट right? तो और हम कैसे टर्म्स को कर सकते हैं लाइक लाइक टर्म्स को like टर्म्स कौन सी होती है? जिसमें और सेम पावर होती है सेम वेरिएबल सेम पावर, है, पावर है. Same variable, same होता है तो उसको हम लाइक like टर्म्स बोलते हैं ठीक है अब इसी का उल्टा मैं आपको करके बताती हूँ देखिए अब अगर मान लीजिए आपको अभी मैंने आपको बताया कि टू एक्स प्लस थ्री वाई एड नहीं कर सकते ये एड नहीं होंगे एक और एग्जाम्पल देती हूँ टू एक्स प्लस थ्री एक्सर इसको एड कर सकते हैं क्या बोलेंगे तो तो क्यों नहीं हो सकते है? देखो यहाँ पे एक्स की पावर वन है और यहाँ पे एक्स की पावर टू है अब ये दोनों तो सेम है ही नहीं ये दोनों बराबर है क्या नहीं है बराबर तो अगर ये बराबर नहीं है तो इसको आप एड नहीं कर सकते हो ठीक है ये ध्यान रखना है अब इन सबका ट्रांसपोजिशन से क्या कनेक्शन है अभी बताती हूँ चलिए ठीक है यहाँ लिख देती हैं कि आपका क्या हो रहा था यहाँ पे बेटा हम क्या सीखने वाले हैं ट्रांसपोजिशन सीखने वाले हैं या जिसको आप दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसफर भी बोल सकते हो अपनी लैंग्वेज में अपने आप को खुद को समझाने के लिए ठीक है चलिए अब देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दे रखा था नाइन एक्स इज इक्वल्स टू फाइव एक्स प्लस टेन अब आप ये मान लो कि ये दो कॉलोनीज है ये कॉलोनी वन है या ये ग्रुप वन है ग्रुप मान लो आप खेलने गए हो ये ग्रुप वन है और ये ग्रुप टू है बराबर के इधर ग्रुप टू और बराबर के उधर ग्रुप वन ये दो ग्रुप है अब ये दो ग्रुप तो है पर टीम बांट ली हमने इधर हमने टीम में रखा नाइन एक्स को और इस टीम में हमने रखा फाइव एक्स प्लस टेन को ठीक है अब बांट तो ली लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है क्या गड़बड़ लग रही है यार ये फाइव एक्स हम इधर कैसे लेके आ गए ये तो मतलब आके हमारी टीम में चीटिंग करेगा क्यों चीटिंग करेगा क्योंकि ये तो उसके टीम जैसा दिख रहा है दिख रहा है क्या दिख तो रहा है देखो उधर एक्स था इधर भी एक्स है अब ये एक्स एक्स तो भाई है अब दो भाई में से एक भाई उस टीम में और एक भाई को हमने अपनी हमारी टीम में ले लिया अब ये तो चीटिंग कर सकता है ये तो अपने भाई को जिता देगा चीटिंग करके अपने भाई को बता देगा और उसको जिता देगा ठीक है तो हमें ये नहीं होने देना है तो हम इसको क्या चाहते हैं कि हमारी टीम में से निकल जाए हम चाहते हैं कि ये फाइव एक्स जो है हमारी टीम में से निकल के चला जाए तो हम इसको निकालना चाह रहे हैं तो अब ये फाइव एक्स की जो हम क्या कर रहे हैं बेटा जगह बदल रहे हैं क्या कर रहे हैं हम प्लेस चेंज कर रहे हैं जगह बदल रहे हैं तो इसी को जब मैथमेटिकल टर्म में आप बोलते हो जगह बदलना प्लेस चेंज करना ठीक है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी लिख देते हैं ठीक है प्लेस चेंज हो रहा है ठीक है एल से कोई भी चीज आर में जा रही है या फिर आर से कोई भी चीज एल में जा रही है तो इसी को हम क्या बोलते हैं इसी को हम बोलते हैं ट्रांसपोजिशन इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा इसी को हम बोलते हैं ट्रांसपोजिशन आई बात समझ तो अब फाइव एक्स को हम उधर भेज रहे हैं तो फाइव एक्स उधर जाएगा बताओ अच्छा एक और चीज जब भी ये लोग ट्रांसफर होते हैं ना बेटा तो इन लोगों का क्या होता है साइन चेंज हो जाता है क्या हो जाता है इनका साइन चेंज हो जाता है क्यों क्योंकि ये तो पहले आए थे इधर रंग बदल के है ना पहले इधर प्लस में देखो अब भेज रहे हैं तो अपने असली रंग में भेजो उधर जाओगे तो तुम्हारा कुछ तो नुकसान होगा ना मेरी टीम से जा रहे हो तो यहाँ में नाइन था पहले से ग्रुप वन में ठीक है 5X को हमने भेज दिया इधर तो 5X प्लस का था देखो जब भी किसी नंबर के आगे कुछ भी नहीं होता तो वो प्लस होता है प्लस का था कन्वर्ट हो जाएगा इधर इस वाले ग्रुप में अब ग्रुप टू में बराबर लगाओ और ग्रुप टू में चलो ग्रुप टू में कौन बचे अब टेन बच गया अकेला बेचारा राइट टेन अकेला बच गया बेचारा अब नाइन एक्स माइनस फाइव एक्स दे रखा था क्या इसको सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं हम क्योंकि टर्म like है देखो है दोनों तरफ और दोनों तरफ वन पावर है तो लाइट like टर्म है तो कर सकते हैं और ये फोर तो भाई नंबर है और एक्स वेरिएबल है अब ये नंबर वेरिएबल एक साथ क्या कर रहे हैं एक्स ढूंढना है मुझे एक्स को तो मुझे ढूंढना है एक्स तो घूम गई है मेरी एक्स को मुझे ढूंढना है ठीक है अब एक्स को ढूंढना है तो फोर को क्या करना पड़ेगा फोर को करना पड़ेगा मुझे

माइनस में कोई नंबर है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में मल्टीप्लाई में कोई नंबर है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा डिवाइड में और डिवाइड में कोई नंबर है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में ठीक है तो यहाँ मल्टीप्लाई में है अब ये फोर को उधर भेजना है मुझे तो ये किस में जाएगा बेटा डिवाइड में जाएगा ये ध्यान रखना है ठीक है तो इधर बच गया एक्स ग्रुप वन में बच गया एक्स और ग्रुप टू में कौन कौन आ गए टेन तो पहले से थे फोर आ गए अब डिवाइड में फोर अब डिवाइड में आ गए राइट तो आप डिवाइड पूरा करोगे डेसिमल में आंसर आएगा आप इसको सिर्फ चाहो तो काट सकते हो टू की टेबल से काटोगे तो टू फाइव जा टेन होता है और नीचे भी टू से काट रहे हैं तो टू टू या फोर होता है इज इज दी दी करेक्ट फाइव अपॉन इस दी करेक्ट आंसर आंसर ठीक है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, voilà. है ट्रांसपोजिशन जो कि आपको हमेशा काम आएगा सिर्फ इस चैप्टर में नहीं हर चैप्टर में काम आएगा चलिए दोबारा देखिए एक और क्वेश्चन समझाते हैं देखो ये नाइनटीन एक्स वापस ग्रुप वन है और ये ग्रुप टू है और इस ग्रुप टू में देखो आप ये नाइनटीन एक्स कहाँ से आ गया इसको तो, तो एक्स एक्स भेजो एक्स और एक्स भाई के पास भेजो इसको अपने ये अलग गलती से आ गया इस ग्रुप में इसको अपने भाई के पास भेजो तो ग्रुप वन में ट्वेंटी फाइव एक्स था पहले से अब कौन आ गया नाइनटीन एक्स तो माइनस का आएगा माइनस माँण, का क्यों आएगा अब तो आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि पहले प्लस का था कैसे प्लस का था मैम क्योंकि हमेशा किसी भी नंबर के आगे उसका साइन देखते हैं तो 19X के आगे देखेंगे आगे कुछ नहीं दिख रहा है इसका मतलब प्लस है जब ही भी कुछ नहीं दिखता है तो वहां पे हम क्या मानते हैं कि वहां पे क्या बेटा कौन से साइन का यूज हो रहा है वहां पे प्लस है वहां पे हम क्या मान के चलते हैं कि वहां पे प्लस का साइन अवेलेबल है तो प्लस था तो यहाँ आगे माइनस हो गया इधर क्या बच गया इधर बच गया माइनस का थर्टी इधर क्या बच गया माइनस का थर्टी सिक्स में से नाइनटीन किया तो कितना बच गया बेटा सिक्स बचा और इधर आ गया माइनस का थर्टी अब ये एक्स वेरिएबल है सिक्स नंबर है तो सिक्स जो नंबर है इसको भी हम और इधर भेज देंगे तो कैसे जाएगा डिवाइड में जाएगा क्यों जा रहा है डिवाइड में क्योंकि पहले किस में था मल्टीप्लाई में पहले यहाँ किस में था मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ पे अब आगे किस में जाएगा आगे डिवाइड में जाएगा चलो तो इधर बच गया एक्स इधर क्या बच गया माइनस का थर्टी सिक्स अपॉन सिक्स ये बच गया राइट माइनस का थर्टी सिक्स अपॉन सिक्स से कैंसिल आउट करो थर्टी सिक्स और कितना बताओ सिक्स सिक्स जा थर्टी सिक्स तो सिक्स सिक्स जा थर्टी सिक्स माइनस का सिक्स इज दी आंसर माइनस का सिक्स इज दी करेक्ट आंसर ठीक है चलते हैं अगले क्वेश्चन पे देखिए क्या दे रखा है टाइप टू अब दूसरा टाइप आ गया अब यहाँ पे देखो फ्रैक्शन जैसा दिख रहा है आपको दिख रहा है फ्रैक्शन जैसा तो अब इसको कैसे करेंगे अच्छा ये देखो ये फ्रैक्शन है इसमें एक्स है और इस वाले फ्रैक्शन में एक्स है दिख रहा है तो पहले ही समझ जाना चाहिए कि ये दोनों क्या है ये दोनों भाई भाई क्या है ये आप लोग बोलते हो ना भाई 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 ठीक है ब्रोज है ये ठीक है ये दोनों एक्स वाले हैं तो ये दोनों दोस्त हैं ये दोनों भाई हैं ये दोनों रिश्तेदार हैं जो भी बनाना चाहते हैं आप बना दीजिए तो ये दोनों एक परिवार से हैं और इनके बीच में ये टू जो है ना ये टू ये अलग फैमिली का आ गया है तो इसको भगा दो इधर टू को अलग से और इसको इस जो यहाँ पे ये जो रिश्तेदार है ना गलती से इसको भेज दो इधर वापस से बताती हूँ मैं क्या करने के लिए बोल रही हूँ मैं बोल रही हूँ ये टू अलग से आ गया इधर तो इस टू को भेज देंगे हम इधर और ये जो यहाँ पे नंबर है इसको भेज देंगे हम इधर अपने भाई के पास आई बात समझ ये दो चीजें हमें करनी है ये प्लस का टू है इधर आएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये यहाँ पे किस में है प्लस में है तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा चलो आगे बात समझ चलो करते हैं सॉल्व तो ये थ्री एक्स अपॉन फाइव ये ग्रुप वन में है इधर से ये टू एक्स अपॉन को भेज देंगे बेटा इधर तो किस में आ जाएगा ये माइनस में आ जाएगा माइनस टू आगे क्या आया बताओ अब ये प्लस टू जो मैंने अभी भी आपको बोला था कि प्लस टू जो है इसको हम कहा भेज देंगे, इस प्लस टू को हम देंगे इधर, इस तो प्लस टू यहां आ जाएगा। हम क्या लेंगे हम फाइव और थ्री का हम लेंगे एलसीएम क्या लेंगे हम फाइव और थ्री का एलसीएम यहाँ क्या लेना है इस साइड इस साइड हमें लेना है एलसीएम चलो फाइव और थ्री का एलसीएम कितना आता है फिफ्टीन ऊपर कितना आ जाएगा इधर थ्री इंटू थ्री एक्स कैसे आया मैम 5 से 15 में डिवाइड किया 3 आया और फिर 3 को मल्टीप्लाई किया ऊपर जो दे रखा है 3x उससे बीच में माइनस लगा देंगे 3 से 5 में डिवाइड करेंगे तो आएगा 5 और सॉरी 3 से 15 में डिवाइड करेंगे तो आएगा 5 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x से जो यहां दे रखा है ऊपर में और बराबर में इधर है 2 अब ये 15 डिवाइड में दिख रहा है बेटा अपॉन का मतलब क्या होता है डिवाइड तो फिफ्टीन को इधर भेज देंगे हम टू के पास और इधर आएगा तो कैसे आएगा मल्टीप्लाई में आएगा कैसे आएगा मल्टीप्लाई में क्यों आएगा क्योंकि मैंने बताया था कि डिवाइड में अगर है तो वो किस में जाएगा मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये भी डिवाइड में ही है डिवाइड से कन्वर्ट होगा तो किस में जाएगा मल्टीप्लाई में जाएगा राइट तो चलो यहाँ क्या आ गया थ्री इंटू थ्री एक्स माइनस फाइव इंटू टू एक्स और इधर क्या हो जाएगा टू इंटू फिफ्टीन आई बात समझ तो चलो सबको मल्टीप्लाई करो थ्री इंटू थ्री एक्स नाइन एक्स माइनस फाइव टू जा टेन एक्स तो यही आएगा क्या यही आएगा चलिए अब आगे क्या करेंगे बताओ देखो आगे क्या करेंगे आप नाइन एक्स माइनस टेन एक्स ये बताओ पहले तो ये सॉल्व करो नाइन एक्स माइनस टेन एक्स प्लस का नाइन एस और माइनस का टेन एक्स कितना होगा बताओ अब नाइन और टेन प्लस माइनस माइनस होता है तो सब करना पड़ेगा टेन में से नाइन गया तो कितना बच गया वन एक्स अब वन एक्स को आप एक्स भी बोल सकते हो सिर्फ एक्स कितना बचेगा एक्स बचेगा अब ये एक्स प्लस का आया या माइनस का आया तो जो बड़ा नंबर है टेन बड़ा है वो माइनस का है तो माइनस एक्स आएगा राइट चलिए तो यहाँ आ गया माइनस एक्स इधर बच गया थर्टी अब ये की तो वैल्यू नहीं चाहिए ना मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए हमेशा तो इस माइनस को भी उधर भेज दो तो क्या आ जाएगा ये एक्स इजल्स टू माइनस थर्टी माइनस चला गया थर्टी के पास बोले तुम थोड़े दिन उधर घूम के आओ मेरे पास से जाओ उधर घूम लो थोड़े दिन के लिए वो थोड़े दिन अपनी मौसी के क्या चला गया थर्टी के पास तो माइनस थर्टी हो गया एक्स इज इक्वल्स टू माइनस थर्टी ठीक है

और टू को मल्टीप्लाई कर दो ऊपर एक्स दे रखा है उससे और इधर दे रखा है माइनस टू अपॉन थ्री अब ये तो डिवाइड में आपको पता है उधर जाएगा ये ये डिवाइड में है इसको हम इधर भेज देंगे मल्टीप्लाई में ठीक है चलिए यहां हो गया ये सिक्स एक्स माइनस नाइन एक्स प्लस टू एक्स इज इक्वल टू तो माइनस टू बाई थ्री मल्टीप्लाई में ट्वेल्व अब ये थ्री से कट रहा है ट्वेल्व फोर बार और यहाँ क्या दे रखा है देखो यहाँ पे दे रखा है यहाँ जो ये सिक्स एक्स रखा है और ये प्लस का टू एक्स दोनों प्लस प्लस के हैं तो ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा एट एक्स माइनस नाइन एक्स इज इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा ये टू और फोर को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो फोर टू जा एट माइनस एट हो जाएगा राइट तो यहाँ एट एक्स माइनस नाइन एक्स कितना आएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एट अब दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस कट जाएंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई एट x की वैल्यू क्या आ गई बेटा x की वैल्यू आ गई एट आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को बहुत ही इजी क्वेश्चन है थोड़ा सा कैलकुलेशन का ध्यान रखना है थोड़ा सा साइन का ध्यान रखना है क्योंकि आप ट्रांसपोज कर रहे हैं तो आपको ट्रांसपोजिशन के टाइम पर साइन का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा साइन का ध्यान रखना, सा रखना है तो एकदम सही आपको समझ में आएगा चलिए टाइप थ्री अब यहाँ देखिए यहां आपको दिख रहा है कि यहाँ तो अब ये देखो एलसीएम लेने वाली तो बात है नहीं यहाँ एक्स और फोर का ये तो अनलाइक टर्म्स है ये क्या है अनलाइक टर्म्स है। और इनका एलसीएम नहीं ले सकते ठीक है अब ये तो दे दिया आपको तो अब क्या करना है मैम देखो बेटा ऐसे टाइम पे एक नया कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो यहां पे वही करना है क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब यहां से इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इधर से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो करो चलो फोर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम थ्री एक्स प्लस टू को बीच में बराबर है लगा देंगे और थ्री से देखो मैंने पहले इसको मल्टीप्लाई किया मैं बता देती हूँ इसको मल्टीप्लाई किया दिख रहा है फोर को फोर को मल्टीप्लाई किया इधर अब मल्टीप्लाई थोड़ी हो जाएगा अब टीचर्स बोलते हैं मल्टीप्लाई किया है मल्टीप्लाई किया है तो बच्चे समझते हैं कि मल्टीप्लाई करके लिख दिया मैंने नहीं मल्टीप्लाई तो मैं आप करूंगी देखो अभी मैंने पे साइन लगाया मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई मैंने अभी किया नहीं बेटा मैं अब करूंगी अभी मैंने बस लिखा है कि मल्टीप्लाई होगा ये किया नहीं अभी करूंगी ठीक है और अब देखो इस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे कि किसको इसको तो थ्री से मल्टीप्लाई होगा फाइव एक्स प्लस फोर इतनी बात समझ में आई इतनी बात समझ में आई क्या चलिए आगे देखिए फोर से मल्टीप्लाई करेंगे थ्री एक्स को तो फोर थ्री जा ट से मल्टीप्लाई करेंगे टू को तो प्लस है बीच में लगा दो फोर टू जाट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे फाइव एक्स को तो फिफ्टीन एक्स और थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे फोर को तो फोर थ्री जा आई बात समझ अब इतना तो अगर आपने कर लिया तो आपको ये यहां तक समझ में आ जाना चाहिए था कि यहाँ पे ना बिछड़े हुए दोस्त बिछड़ गए हैं देखो एक्स वाला यहाँ है देखो मैं आपको कलर चेंज करके दिखाती हूँ आपको अच्छे से दिख देखो एक्स वाला एक यहाँ पे दोस्त है और एक यहाँ पे दोस्त है ये अलग अलग क्या कर रहे हैं दो ग्रुप में अलग अलग ग्रुप में नहीं करना है इनको यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट है और यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट है ये दोनों क्या कर रहे हैं अलग अलग ग्रुप में इनको हमें सेम ग्रुप में रखना है क्या करना है इनको हमें इनको हमें सबको नहीं सेम ग्रुप में रखना है मतलब जो जहां मैच कर रहा है उसको वहां पे भेज देना है ठीक है तो आपको 12x को भेज देना है इधर सॉरी यहाँ पे 5x एक्स प्लस था ट जो है बेटा यहाँ से उसको हम भेज देंगे इधर इस साइड तो यहाँ प्लस में उधर किस बच गया फिफ्टीन एक्स माइनस ट्वेल्व एक्स बच गया इतनी बार समझ में आई जी मैम इतनी बार समझ में आ गई ठीक है लेकिन फोर कहा गया मैम फोर यहाँ गया कि ये प्लस का फोर था बेटा इसको हम इधर भेज देंगे एट के पास माइनस में चला जाएगा इधर इधर एक तो जगह तो दोस्त, दोस्त एक जगह पे हो गए चलो सॉल्व कर लो एट माइनस फोर कितना बच गया फोर इधर कितना बच गया फिफ्टीन में से ट्वेल्व एक्स गया तो कितना बच गया थ्री एक्स इतना आया समझ क्या दे रखा है थ्री एक्स बराबर दे रखा है फोर के ठीक है अब x ढूंढना है x ढूंढना है जो ढूंढना है उसको छोड़ के बाकी जितने उसके साथ ही है ना उन सबको भगा देना है यहाँ से x ढूंढना है तो x ढूंढने के लिए थ्री को इधर भेज देंगे डिवाइड में मल्टीप्लाई में थ्री थ्री को उधर भेज देंगे किस चीज में बेटा थ्री को उधर भेज देंगे डिवाइड में तो x इज इक्वल टू फोर अपॉन थ्री इज दी करेक्ट आंसर x इज इक्वल टू फोर अपॉन थ्री इज दी करेक्ट आंसर ठीक है एक और इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे तो आपका और डाउट जो है ना बेटा वो क्लियर होगा देखिए हाँ, देखिए अब यहाँ पे सबसे पहले समझने वाली बात है कि मैम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगा नीचे तो कुछ दे रखा फाइव के नीचे तो फाइव के नीचे वन लगा लो आप अपने मन से अपॉन वन कर दो फाइव के नीचे अपॉन वन कर दो और दोबारा से आपको क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का सहारा लेना है दोस्ती करनी है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के साथ और क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले इस वन से मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो चलो वन और इधर आ जाएगा बराबर बराबर लगा लगा दिया एक स्टेप करने के बाद देना है फिर इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे किसको टू एक्स प्लस सेवन को इतना बात आई समझ अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो अब आगे मल्टीप्लाई करना तो आप सीख चुके होंगे वन से मल्टीप्लाई करो देखो तो कोई फर्क पड़ेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे आ जाएगा थ्री एक्स प्लस फाइव

तो ये माइनस का थर्टी आ गया इसको सॉरी टेन एक्स में से थ्री एक्स दे तो कितना बचा सेवन एक्स बचा अब एक्स की वैल्यू आपको ढूंढनी है अब क्या करना है एक्स की वैल्यू ढूंढनी है आपको तो एक्स की वैल्यू ढूंढने के लिए सेवन को फिर से उधर भेजना पड़ेगा सेवन को उधर भेजोगे इस बार तो क्या आएगा आंसर बताओ क्या आएगा आंसर बताओ आंसर आएगा आपके पास माइनस थर्टी डिवाइड बाई सेवन डिवाइड में क्यों जा रहा है क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में देखो सेवन इन टू एक्स हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है उधर किस में चला जाएगा डिवाइड में ये आ गई की वैल्यू ठीक है चलते हैं फोर्थ टाइप हमारा देखो दोनों तरफ आपको फ्रैक्शन दे रखे हैं बड़े बड़े इनको कैसे सॉल्व करना है वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लेकिन इस बार कैसे करेंगे इस बार थोड़ा लंबा जा सकता है देखो इसको इधर मल्टीप्लाई करो सबसे पहले तो क्या आएगा आपके पास फाइव एक्स प्लस ट्वेंटी को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो किससे बेटा टू एक्स माइनस थ्री से बराबर लगा दो और इसको इधर मल्टीप्लाई करो टू एक्स प्लस वन को मल्टीप्लाई कर रहे हो फाइव एक्स माइनस फोर से यही कर रहे हो तो चलो मल्टीप्लाई करो सबसे पहले आपको मैंने सिखाया था कि पहला ब्रैकेट को पकड़ना है उसके एक एक नंबर को लिखना है फाइव एक्स लिख लिया और उसको अगले इस फाइव एक्स को अगले पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे क्या करेंगे इस फाइव एक्स को अगले पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है तो अगला पूरा ब्रैकेट क्या है टू एक्स माइनस थ्री उससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर प्लस ट्वेंटी लिखेंगे

अब इस फाइव एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करो तो फाइव टू मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्टी एक्स तो आ जाएगा और ट्वेंटी को माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का सिक्सटी आ जाएगा इधर देखिए फाइव टू जा स्क्वायर आ रहा है टू एक्स को माइनस फोर से करेंगे तो कितना माइनस एट एक्स

ट्वेंटी फाइव बचे आप ट्वेंटी फाइव प्लस के बचेंगे माइनस की देखना है तो फोर्टी बड़ा नंबर है वो प्लस का है तो प्लस का ट्वेंटी फाइव बचेगा राइट? तो यहाँ पे कितना आ रहा है बेटा यहाँ पे आ रहा है प्लस का ट्वेंटी फाइव एक्स राइट आगे क्या बच रहा है बताओ आगे बच रहा है माइनस का सिक्सटी क्या बच रहा है आगे बच रहा है माइनस सिक्सटी यहाँ आओ टेन एक्स स्क्वायर लिख दिया हमने और यहाँ देखो माइनस एट एक्स प्लस फाइव एक्स कितना हो जाएगा माइनस का थ्री एक्स हो जाएगा प्लस फोर कितना हो जाएगा माइनस का थ्री एक्स हो जाएगा कहां से हुआ ये जो मैंने यहां लिखा ये क्या आ रहा है आपका माइनस का थ्री एक्स कैसे हुआ बताओ कैसे हुआ ये ये पता चला आपको कैसे हुआ बेटा ये देखिए माइनस का एट एक्स और प्लस का फाइव एक्स प्लस माइनस फिर से माइनस आठ में से पांच गए तो तीन बड़ा नंबर है माइनस का तो ये बड़ा माइनस का नंबर है इसलिए आंसर भी माइनस का थ्री एक्स आएगा यहाँ पे माइनस का थ्री एक्स और प्लस का फोर आएगा ठीक है माइनस का थ्री एक्स और प्लस का यहाँ पे बेटा फोर आएगा ठीक है चलिए इतनी बात समझ में आ गई जी मैम इतनी बात तो समझ में आ गई अब आगे क्या करेंगे बताओ देखो आपको दिख रहा है यहाँ प्लस का टेन एक्स स्क्वायर और यहाँ पे भी प्लस का टेन एक्स स्क्वायर है क्या ये दिख रहा है आपको प्लस का टेन एक्स स्क्वायर और प्लस का टेन एक्स स्क्वायर रहा है मैम सोचो तो कि ये दोनों अलग अलग साइड में एक एल में एक आर में अगर मैं इसको यहां से उठा के इधर लेके आती हूँ तो ये प्लस का इधर इधर आके माइनस में कन्वर्ट हो 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 जाएगा जी, हो जाएगा जी मैम तो ये 10x2 एक पहले से है इधर प्लस का और एक हम उठा के लेके आ जाएंगे वो माइनस माइनस में आएगा का 10x2. तो प्लस का टेन एक्स स्क्वायर और माइनस का टेन एक्स स्क्वायर जीरो हो जाएगा या कट जाएंगे दोनों ऐसा बोल सकते हैं जीरो हो जाएंगे कट के कुछ नहीं बचेगा इतनी बात समझ में आ रही है क्या ये कट जाएंगे जी मैम कट तो जाएंगे लग तो रहा है ऐसा कि कट जाएंगे दोनों एक तरफ आके तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो इनको क्या कर देना बेटा इनको काट देना है इनको क्या कर देना है इनको कट कर देना है तो ये 10x2 और ये वाला 10x2 कट गए यहां बचा पच्चीस टू माइनस का थ्री एक्स और प्लस का फोर अब ये माइनस के थ्री एक्स को मैं उधर लेके जा रही हूँ तो प्लस का हो जाएगा ट्वेंटी फाइव एक्स और प्लस का थ्री एक्स ये हो जाएगा राइट बराबर में यहाँ पे फोर था पहले से और ये माइनस के सिक्सटी को इधर लेके आ रही हूँ तो ये प्लस का सिक्सटी हो जाएगा इतनी बात समझ में आई इतनी बात समझ में आई क्या लग तो रहा है मैम समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी बातें लग रहा है ये समझ में आ रही है ठीक है कैलकुलेशन लेंदी है ठीक है बाकी आप नॉर्मल जैसे एलसीएम और एच लेते हैं अपना फिर मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं सिंप्लीफिकेशन में आपको वैसे मैंने ये सब कुछ सिखा दिया अगर आपने सिंप्लीफिकेशन के प्रैक्टिस अच्छे से किए ना बेटा तो आप इजिली कर लोगे ठीक है देखो ट्वेंटी फाइव और थ्री एक्स कितना ट्वेंटी एट एक्स और इधर कितना आ आ आ आ गया अब की 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 वैल्यू 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 कितनी गई 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 से भी इसको इसको काट कट कर दो आपका आप टू की टेबल से कट कर सकते हो तो यह आ जाएगा थर्टी टू अपॉन फोर्टीन और कट हो रहा है 16 upon 7. और नहीं कट हो सकता तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई सिक्सटीन अपॉन सेवन एक्स की वैल्यू कितनी हो गई सिक्सटीन अपॉन सेवन दी करेक्ट आंसर और नहीं काट सकते है. अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेके आई हूं मैं आपके लिए ये देखिए इसको सॉल्व करिए सबसे पहले आपको पता ही इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो चलो करो टू एक्स प्लस थ्री को मल्टीप्लाई करना है हमें सिक्स एक्स प्लस सेवन से और इधर देखिए फोर एक्स प्लस फाइव को मल्टीप्लाई करना है थ्री एक्स प्लस टू से और मल्टीप्लाई करना चालू कर देना है टू एक्स को पकड़ेंगे और दूसरे पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स एक्स प्लस सेवन फिर यहां से प्लस थ्री को पकड़ेंगे और उसको भी पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे 6x 7 से यहां देखो फोर एक्स को पकड़ा और मल्टीप्लाई किया अगले पूरे ब्रैकेट से थ्री एक्स प्लस टू से फिर देखो प्लस फाइव को पकड़ा और मल्टीप्लाई किया पूरे ब्रैकेट से आई बात समझ चलो किया नहीं मल्टीप्लाई अभी सिर्फ लिखा है अब मल्टीप्लाई करेंगे, 2X को करेंगे 6X से, 2X को 6X से, तो कितना सेवन से ट्वेंटी वन फोर एक्स को थ्री एक्स से ट्वेल्व एक्स स्क्वायर फोर एक्स को टू से तो एट एक्स फाइव को थ्री एक्स से फिफ्टी चलो ये सब आगे बात समझ में लग तो रहा मैम ये सारे प्लस में सबसे अच्छी बात यह सारे प्लस में तो अब सारे प्लस में है तो सबसे पहले तो ये कट जाएगा ट्वेल्व एक्स स्क्वायर और ट्वेल्व एक्स स्क्वायर क्यों कटेगा वापस से बताओ क्योंकि दोनों प्लस के और दोनों अलग अलग साइड है एक साइड करोगे तो एक माइनस का हो जाएगा राइट और एक माइनस का हो जाएगा तो प्लस का ट्वेल्व एक्स और फिर एक माइनस का ट्वेल्व तो एक्स ही तो होगा ना ये तो कट जाएंगे राइट वही हमने अब यहां देखो प्लस का एक्स और एटीन एक्स ये हो के कितना ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट एंड फोर थर्टी टू ये कितना हो जाएगा थर्टी टू एक्स और साथ में प्लस ट्वेंटी वन आगे देखो एट एक्स और फिफ्टीन एक्स इसको एड कर लो तो कितना हो जाएगा ये ट्वेंटी थ्री एक्स प्लस का टेन अब एक्स एक्स वाले एक जगह भेज दो इसको इधर भेज दो और इसको इधर भेज दो ठीक है आई बात समझ मैंने क्या बोला किसको किधर किधर भेजना है ठीक है चलिए देखिए अब क्या करेंगे हम अब थर्टी टू एक्स जो है उसके साथ तो कौन आ जाएगा माइनस का ट्वेंटी थ्री एक्स माइनस का क्यों आई बात समझ में आ गई ना बेटा क्योंकि यहां प्लस का था यहां प्लस का था इसलिए आगे इधर 10 बच रहा था पहले से और ये प्लस का ट्वेंटी तो में कन्वर्ट हो जाएगा, जाएगा। तो यहाँ कितना बच गया माइनस का इलेवन बच गया एक्स की वैल्यू क्या आ गई माइनस इलेवन अपॉन नाइन एक्स की वैल्यू क्या आ गई बेटा माइनस इलेवन अपॉन नाइन क्या आ गई एक्स की वैल्यू एक्स की वैल्यू आ गई माइनस इलेवन अपॉन नाइन इज दी करेक्ट आंसर दिखने में बड़ा लग रहा होगा हो रहा होगा कैसे करेंगे पर बहुत ईजी है थोड़ा सा ध्यान थोड़ा सा का ध्यान थोड़ा थोड़ा सा सा साइन का अपनी कैलकुलेशन का ध्यान एंड यू विल इट ठीक है है चलिए टाइप टाइप और ये लास्ट इसके दो क्वेश्चन है ये लास्ट टाइप है ठीक है अब यहां देखिए क्या करेंगे जो अभी हम मैंने आपको सिखाया वही हम यहां सीख रहे हैं इस x को देखो ये आपको दे रखा है x प्लस टू ब्रैकेट इस x को पकड़ते हैं हम सबसे पहले और पकड़ के हम क्या करते हैं अगले नंबर से अगले पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरा ब्रैकेट क्या है टू एक्स माइनस थ्री यहाँ पे प्लस टू है उसको पकड़ेंगे और उसको भी फिर आगे पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे जो तो कि है टू एक्स माइनस थ्री बराबर है आगे लगा दो यहाँ पे टू एक्स को पकड़ा और उसको पकड़ के अगले ब्रैकेट पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया टू एक्स को पकड़ा उसको एक्स प्लस फोर से मल्टीप्लाई तो कर दिया फिर प्लस फाइव को पकड़ा और उसको फिर वापस से अगले पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया विच इज एक्स प्लस फोर चलिए x से मल्टीप्लाई करेंगे टू एक्स तो कितना आ जाएगा टू x स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस थ्री तो कितना आ जाएगा माइनस का थ्री एक्स ठीक है सॉरी बराबर नहीं आएगा थोड़ा सा हम इरेज कर लेते हैं क्योंकि इरेज नहीं करेंगे ना तो बहुत सारा कचरा हो जाने वाला है राइट कचरा इन द सेंस कि भर जाएगा सब कुछ फिर आपको दिखेगा नहीं चलिए फिर टू को टू एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना टू को मल्टीप्लाई करेंगे फोर से, से, तो से तो कितना फोर टू जा फोर टू जा एट एक्स आएगा साइन का थोड़ा ध्यान रखना है आगे देखो फाइव को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से तो फाइव एक्स आएगा फाइव को मल्टीप्लाई करेंगे फोर से तो फाइव फोर जा ट्वेंटी आएगा राइट अब ये देखो प्लस का टू एक्स स्क् और आगे भी प्लस का टू एक्सर है तो ये कट जाएगा ये तो दिख रहा है मुझे मैम अब माइनस का थ्री एक्स और फोर एक्स कितना होगा एक्स होगा कैसे होगा बताओ फोर एक्स प्लस का और थ्री एक्स माइनस का प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस सबट्रैक्ट करना है तो चार एक्स में से तीन एक्स गए तो कितना बच गया एक एक्स एक एक बोल लो या एक्स बोल लो एक ही बात है प्लस का बचा बचाया माइनस का तो बड़ी डिजिट फोर एक्स थी वो प्लस की थी तो ये भी प्लस का ही बचेगा तो वही मैंने बोला एक्स बचाओ एट एक्स और फाइव एक्स right? दोनों प्लस प्लस के तो ऐड हो जाएंगे एट और फाइव कितना हो जाता है बताओ थर्टीन एक्स और साथ में क्या दे रखा है इधर साथ में दे रखा है ट्वेंटी राइट चलो अब एक्स एक्स वालों को एक जगह भेजो सबसे पहले तो चाहिए नहीं हमें X, X वाले राइट <laughs> तो एक्स को भेजेंगे इधर 13X के पास तो ये 13X और ये प्लस का एक्स उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस का एक्स हो जाएगा राइट ठीक है इधर माइनस का सिक्स था पहले से ये वाला ठीक है और ये ट्वेंटी जो है ना बेटा प्लस का ट्वेंटी वो भी इधर आ जाएगा और वो इधर आएगा तो कैसे आएगा माइनस का ट्वेंटी होके आएगा क्योंकि उधर प्लस में था ना इधर माइनस में आएगा राइट साइन चेंज हो जाते हैं तो ट्वेंटी और सिक्स कितना हो जाएगा माइनस का ट्वेंटी सिक्स और इधर कितना हो जाएगा थर्टीन में से एक्स गए तो ट्वेल्व एक्स इधर कितना हो जाएगा बेटा ट्वेल्व एक्स हो जाएगा ठीक है अब आगे क्या आएगा देखो आगे हम क्या करेंगे देखो ठीक है ट्वेल्व एक्स की वैल्यू आगे कितनी माइनस का ट्वेंटी सिक्स एक्स बराबर कितना हो जाएगा माइनस ट्वेंटी सिक्स डिवाइड बाई ट्वेल्व क्यों आया डिवाइड में तो पता लिया हुआ अब तो आपको क्योंकि मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ गया इसको आप काटोगे थर्टीन अपॉन सिक्स आएगा माइनस का थर्टीन अपॉन सिक्स यही आंसर है एक्स इजल्स टू माइनस थर्टीन अपॉन सिक्स और कट सकता है क्या तो और तो कट नहीं सकता तो यही आपका फुल एंड फाइनल आंसर है ओके okay? चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन पे ये देखो ये भी इसी टाइप का आपको क्वेश्चन रखा है और आपको उसी तरीके से करना है। देखो, 6x को पकड़ा, बाहर लिखा, और उससे मल्टीप्लाई कर दिया अगला पूरा ब्रैकेट मतलब कि टू एक्स प्लस थ्री फिर प्लस फाइव को पकड़ा और उससे मल्टीप्लाई कर दिया अगला पूरा ब्रैकेट विच इज टू एक्स प्लस थ्री यहां फोर एक्स को पकड़ा और मल्टीप्लाई कर दिया अगले पूरे ब्रैकेट से थ्री एक्स प्लस टू से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया फिर इस प्लस सेवन को पकड़ा और उसको भी मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरे ब्रैकेट से थ्री एक्स प्लस टू से ये हो गया अब इतना होने के बाद आपको पता है कि आपको क्या करना होता है यहाँ के बाद यहाँ के बाद आपको मल्टीप्लाई शुरू कर देना होता है करना सिक्स एक्स और टू एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ सिक्स टू जायर सिक्स एक्स और थ्री को करेंगे तो कितना आ जाएगा सिक्स थ्री जाटीन एक्स फाइव और टू एक्स को करेंगे तो फाइव टू जा करेंगे तो फाइव थ्री जाएंगे तो कितना टू को करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ एट एक्स सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन एक्स और सेवन टू जा फोर्टीन आई बात समझ अब क्या क्या कट रहे हैं जो कट रहे हैं पहले तो काट देना है, है। सबसे पहले तो यही दिखना चाहिए बराबर इधर देखो एट एक्स और ट्वेंटी वन एक्स को मल्टीप्लाई सॉरी एड कर लो तो कितना ट्वेंटी नाइन एक्स और प्लस साथ में ये फोर्टीन साथ में ये क्या है फोर्टीन चलो अब एक्स एक्स वालों को एक साथ भेजना है तो आपको पता ही है तो यहाँ रह जाएगा फिफ्टीन और इस फोर्टीन को हम पहले से पहले से क्या था पहले से था आपका ट्वेंटी नाइन एक्स ठीक है तो अब क्या कर दिया मैम आपने अब बेटा हमने ये कर दिया कि अब हम उधर से उधर क्या है ये भी तो देखो एक तरफ तो आपने देख लिया ट्वेंटी नाइन एक्स है वो लिख दिया यहाँ क्या है यहाँ ट्वेंटी एट एक्स है इसको हम क्या करेंगे इसको हम इधर भेज देंगे भाई भाई तो ट्वेंटी आएगा तो कितने आएगा माइनस में आएगा, आएगा? क्यों आएगा माइनस में क्योंकि यहाँ प्लस में था तो इधर माइनस में आएगा तो ये हो जाएगा ट्वेंटी एट एक्स इधर आएगा ठीक है फिफ्टीन में से फोर्टीन गए तो वन बच रहे हैं और इधर भी कितना बच रहा है ट्वेंटी नाइन एक्स मई में से ट्वेंटी एट एक्स गए तो वन एक्स बच रहा है तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा वन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई एक्स की वैल्यू आ गई वन एक्स इज इक्वल टू वन इज दी करेक्ट आंसर ठीक है आई होप बेटा आपको समझ में आए होंगे मैंने पांच टाइप में लिखे थी सबके मैंने दो दो क्वेश्चन कराए सारे टाइप्स मैंने कवर कर लिए हैं ठीक है कल वाले कल वाला जो हमारा आ, पार्ट टू होगा लीनियर इक्वेशन का उसमें मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम्स से मतलब सिखाने वाली हूँ कि कैसे वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है और जब आप ये सब कुछ सीख लेंगे तो उसके बाद एक प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगी जो कि आपको पता है मैं हर चैप्टर के बाद लेके आती हूँ तो एक प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे जहां पे हम प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करेंगे पढ़ा अभी दूंगी और वहां पे सिर्फ प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करना है और कुछ नहीं करना है ठीक है अच्छा ये जो हमने अभी पढ़ा है बेटा सब पीडीएफ आपको मिल जाएगा कहा पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे ठीक है पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा उसका लिंक कहाँ मिल जाएगा उसका आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कहा मिल जाएगा उसका लिंक उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां जाके लिंक पे क्लिक करना है लिंक पे क्लिक करके पीडीएफ को क्या करना है फाइल्स वाले सेक्शन में जाएंगे सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगे पीडीएफ को क्या करना है या तो आपको डाउनलोड कर लेना है या फिर आपको क्या करना है पीडीएफ का बेटा पीडीएफ का प्रिंट ले लेना है ठीक है और फिर आपको पढ़ाई कर, करना है प्रिंट से ज्यादा मैं प्रेफर करती हूँ बोलती भी हूँ समझाती हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि प्रिंट से पढ़ाई करें रीजन बीन आप मोबाइल से पढ़ते हो तो पढ़ते पढ़ते हम यूट्यूब चलान इंस्टा चलाने लग जाएंगे कुछ भी चलाने लग जाएंगे डिस्ट्रैक्ट होगा राइट तो आप प्रिंट से पढ़ेंगे तो आपकी तो आप डिस्ट्रैक्शन का जो सोर्स है वही खत्म हो जाएगा ठीक है तो मैं सजेस्ट यही करूंगी कि प्रिंट से पढ़िए जब तक आप वीडियो देख रहे हैं जब तक आप कुछ पढ़ रहे हैं कहीं से किसी चैनल से तो ठीक है बट अदरवाइज आप प्रिंट का यूज़ किया कीजिए दैट इज़ बेस्ट फॉर यू ठीक है चलिए ये सारी बातें होती है हमारी खत्म इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए शेयर नहीं करते हैं आप लोग अपने दोस्तों में अपने फ्रेंड्स में कहीं पे भी शेयर नहीं करते हैं शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं देख लेते हैं और देख के फिर चले जाते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन साइड में वहां पे एक इस तरीके का छोटा सा बेल दिया रहता है जो मुझे बनाना इस वक्त बिल्कुल ही नहीं आ रहा है इस तरह का एक बेल दिया रहता है वो बेल आइकन आपको क्या करना है बेटा प्रेस कर लेना है जिससे आपको क्या होगा उसका फायदा क्या होता है नोटिफिकेशन आ जाता है जैसे ही कोई नई वीडियो आती है ना तो नोटिफिकेशन आ जाता है और वो बहुत जरूरी है क्यों क्योंकि आपको पता क्या चलेगा कि मतलब नया वीडियो आ गया है न्यू टॉपिक पे कैसे पता चलेगा आपको तो आपको बेल आइकन को क्या करना है प्रेस बेल आइकन प्रेस द बेल आइकन ये आपको ध्यान रखना है नोटिफिकेशन उससे आपका ऑन हो जाता है नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा मेरा नया वीडियो आते ही ठीक है इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड गुड बाय